वेलकम फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हम सबके लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाउ टू अर्न बिग मनी एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल। अब एक पर्टिकुलर एज तक पहुंचने पर हम सबकी लाइफ का एक कॉमन रिक्वायरमेंट होता है, वो है जॉब करना। अब इसी को पाने के लिए हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, कुछ लोग जॉब पे अपना पैर जमा लेते हैं तो कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। So, सवाल ये है कि क्या जॉब ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास इनकम अर्न करने का? क्या बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जॉब करके उस बिग लेवल तक पहुंचे हैं? इन सब के ऊपर ज्यादा जानकारी पाने के लिए हम इनवाइट करते हैं वी इंटरनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको काफी साल का ग्लोबल एक्सपीरियंस है अलग अलग सेक्टर्स पे, जैसे जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। सो लेट्स गिव हिम अ वार्म वेलकम। थैंक यू डियर, आज इंटरनेशनल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं एक बात का एश्योरेंस देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो अगले 5-10 मिनट जो होगा, इसको अगर आपने ओपन माइंड होके अपने सुन लिया और अगर आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आज का दिन। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये वाकई में हकीकत है। बिकॉज ये जो टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक ने आज तक वर्ल्ड वाइड में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। देखो मैम, आप जो पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकता है, अब कैसे करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है। एक बहुत अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था कि हाउ टू डू एनीथिंग इज वेरी इजी इफ यू नो व्हाई यू हैव टू डू इट। अब अल्टीमेटली हम लोग सब जो मेहनत करते हैं अपने लाइफ में कुछ भी करने के लिए, तो बेसिकली हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जब जरूरतें पूरा हो जाते हैं तो सपनों के लिए काम करते हैं। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर आदमी चाहता है उसके बाद, और लीगल इनकम हो, समाज के अंदर नाम हो, शोहरत हो, नेम एंड फेम हो, चैरिटी करें, बहुत सारे नीडफुल लोगों को मदद करना, ये सब हर आदमी की चाहत होती है, इसी के लिए हर आदमी मेहनत करता है। तो आपके हिसाब से पैसे कमाने का क्या क्या तरीका होता है? देखो पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी तरीके हैं पैसा कमाने के लिए, उसको हम चार तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और इन्होंने इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है इसको लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग कहते हैं और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर राइट तरीके के लोग। अब इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम लोग पैसे कमा रहे हैं और हमारी जिंदगी का क्या कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे काम करने के तरीके में। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगले 2 मिनट इसको बहुत ध्यान से समझना बिकॉज, और एहसास करना कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, हम लोग जो लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं दुनिया में, 95% लोग जो है हमारे जैसे नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग होते हैं, और मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं या इन्वेस्टर हैं। लेकिन हम सब जो काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, और पैसे का जो क्वांटिटी अगर देखें तो बिल्कुल उल्टा है। 95% हमारे जैसे आम आदमी हैं उसके पास सिर्फ मुश्किल से दुनिया का 5% पैसा है, और ये जो 5% जो बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं इनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है। तो इन्होंने इसके ऊपर काफी साल रिसर्च किया कि ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से इतना बड़ा फर्क है, क्या ये हमसे ज्यादा एजुकेटेड है या क्या ज्यादा हार्डवर्किंग है। तो इनको एक बात समझ आया कि दुनिया के सबसे एजुकेटेड लोग, डॉक्टर, MBAs, MBBS, IPS, IAS, जितने भी लोग हैं वो सब लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करते हैं, और जो सबसे मेहनती लोग होते हैं, जो रिक्शे वाले हो गए, मजदूर लोग हो गए, ये सारे लोग भी लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करते हैं। तब इनको एक बात समझ आया है कि जो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हार्डवर्क करने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है या बहुत अच्छी एजुकेशन लेने से पैसा कमाया जा सकता है, तो ये दोनों फैक्टर है नहीं। अगर होता तो हर एजुकेटेड आदमी और हर मेहनत करने वाला आदमी करोड़पति होता। तो इन्होंने फर्दर इसके अंदर डीप गए और जानने की कोशिश की तो क्या ऐसे फर्क है हमारे और इनके बीच में। तो इनको समझ आया कि मेहनत तो हर आदमी कर ही रहा है और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि हमारे और इनके काम करने के तरीके में फर्क है। और इन्होंने काफी सॉर्ट आउट करने के बाद समझ आया कि बेसिकली 3 ही फर्क है हमारे और इनके बीच में। अगर पहला फर्क की बात करें, हम लोग क्या है कि पूरी जिंदगी इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं। एक आदमी 20-22 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत करता है और 50-60 साल की उम्र तक अकेले ही नौकरी करता है, और डेली 8-10 घंटे पहले भी नौकरी पे जाता था, 20 साल के बाद भी 8-10 घंटे ही नौकरी पे जाएगा, और अकेले मेहनत करने की वजह से हमेशा उसकी इनकम लिमिटेड ही रहती है। बिकॉज अब लोग सब जानते हैं टाइम इज मनी, लिमिटेड आवर्स काम होंगे तो लिमिटेड इनकम आएगी। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज कि आपकी हमेशा इनकम एक्टिव ही रहते हैं, रोज कुआ कोदो पानी पियो वाला हिसाब किताब होता है,
अब सोचिए देखिए, एक डॉक्टर या एक एडवोकेट जो एक सिटिंग के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, वो खुद ही बीमार हो जाए और अगर अपने प्रोफेशन में एक्टिव नहीं हो पाता है तो उसकी इनकम जीरो होती है, बिकॉज उसके वाइफ या उसके बच्चे हैं वो काम शायद जाके नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो राइट साइड के लोग होते हैं वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने जो स्टार्टिंग करते हैं अपने बिजनेस की, वो हमेशा एक टीम को खड़ा करते हैं, एक बहुत अच्छा टीम को खड़ा करते हैं, और वो टीम को एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस में लेके आते हैं, और वो टीम उस सिस्टम के अंदर काम करते हैं और ऑटो पायलट मोड में आ जाता है, और टीम में ऑटोमेटिकली रिक्रूटिंग चलता रहता है और उनकी इनकम अनलिमिटेड जाती है, बिकॉज कुछ टाइम के बाद टीम के साइज में उनके पास भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद उनका बहुत बड़ी टीम बन जाती है और वो लोग सब अपने अपने लिए काम करते हैं और उनका बहुत बड़ा पासी सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। सोच के देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। मैम अभी एक IPL मैच चल रहा है जहाँ पे अंबानी साहब बैठ के मैच देख रहे हैं, और वहाँ पे बैठे बैठे उनको मन किया कि एक मेल डाल दे तो आज सारे लोग एक घंटा ओवर टाइम काम करेंगे। उन्होंने मेल डाला मुकेश अंबानी जी ने कि आज रिलायंस में जितने भी लोग हैं वो सब 5 बजे के बदले 6 बजे तक काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि काम करेंगे या नहीं करेंगे 6 बजे तक? ऑफ कोर्स करेंगे। अब सोच के देखिए, उन्होंने 5 बजे के बदले 6 बजे तक के लिए मेल डाला दुनिया, और रिलायंस में कम से कम अराउंड एवरेज 5 लाख के करीब लोग जॉब करते हैं, और ये 5 लाख लोग जब 1 घंटा ओवरटाइम करते हैं तो 5 लाख घंटे का काम उनके लिए एक्स्ट्रा होता है, और ये 5 लाख घंटे का काम अगर हमारे लिए करने के लिए हमें शायद 5 पीढ़ियां लग जाएंगी, तो इनका अनलिमिटेड काम की वजह से इनका अनलिमिटेड इनकम आता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी का कहना है कि अगर आपको भी एक ज़रूरतों वाली एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीनी है तो हम लोग तो जो काम कर रहे हैं करते रहना काफ़ी है, नहीं वाकई में अगर हम सपनों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा लग्जोरियस लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं देन वी हैव टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड, राइट कैटेगरी इन एनी वे। ऑफ कोर्स सब चाहते हैं लेफ्ट से राइट में जाना, बट क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो हमें अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए बेसिकली 4 चीज़ों की जरूरत होती है। आपको उस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और शुरू करने के लिए बहुत अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एंड आपका सोशल पॉलिटिकल हर तरीके के कनेक्शन चाहिए बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मैक्सिमम लोग डर जाते हैं, जिसका होता है रिस्क एंड कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से एक आम आदमी हिम्मत ही नहीं उठाता कि बिजनेस खड़ा करने के लिए, वो अपने जो डेली रूटीन है नौकरी का उसी में कंटिन्यू करता है, यही होता है हर आदमी के साथ। तो फिर और क्या तरीका हो सकता है? देखो, एक ऐसा इंडस्ट्री और है जहाँ पे कोई भी आम आदमी जिसके पास कोई कास्ट नॉलेज नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, और बहुत बड़ा पैसा नहीं है लाखों करोड़ों का, और इसके बहुत बड़े सोशल पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं भी है, और बिना कोई ह्यूज रिस्क एंड कंपटीशन करके भी वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हैं। इस बिजनेस को कहते हैं द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर मी, क्या है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको थोड़ा और? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा सिंपल सा टर्म है। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो सिर्फ नेटवर्क के दम पे ही होता है। दुनिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी वो होगी जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, इंडिया का प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। तो नेटवर्क इज द बिगेस्ट थिंग। अब नेटवर्क में मार्केटिंग कैसे होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या कोई सर्विस की सोर्स से निकलते हैं तो एंड कस्टमर तक आते आते बहुत सारे लोगों के हाथ से होते हुए निकल के आता है, एंड एक ह्यूज कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटीज, मीडिया चैनल ये भी लेके जाते हैं। तो एवरेज ये देखा गया कि कोई प्रोडक्ट का अप्रोक्सीमेटली अप टू अराउंड 70% तक इन सारे इंटरमीडिएट चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अल्टीमेटली इनका मकसद प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचाना है, प्रोडक्ट या सर्विस, तो इन सारे लोगों को बाईपास करके जो कस्टमर है वो कस्टमर ही आगे अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल के अंदर रेकमेंड करके गए प्रोडक्ट को, सर्विस को मूव कर सकते हैं। तो ये जो पैसा है ये हमारे आम एंड यूजर और कस्टमर के बीच में डिवाइड किया जा सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कंसेप्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी क्या खास बात है कि आप उसको जॉब से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? देखो, आपसे पूछोगे तो ये तो इनके जैसे ही कोई काम होगा, बट नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ रेफरल मार्केटिंग ही नहीं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल जॉब से हटके इसको एडवांटेज देता है, इसलिए मैं इसको पर्सनली भी प्रेफर करता हूँ। पहला ऐसा चीज़, अब सोचिए देखिए, हम लोग जो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और ये बताया जाता है कि पैसा कितना कमाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितना पैसा बचा पाते हैं। सोच के देखिए, अगर हम 30,000 रुपीज भी आज के टाइम में सेव करते हैं एवरी मंथ, तो आने वाले 25 साल अगर ऐसे सेव करेंगे 2042 में करीब जाके,
हमारे पास 90 लाख रुपए की सेविंग रहेगी। और ये सेविंग भी तब रहेगी अगर हमारे कुछ ये मेजर एक्सपेंसेस अपने लाइफ में ना आए, हमारी खुद की शादी, अपना एक घर, अच्छा कुछ कार, फैमिली हॉलीडेज, बच्चों के एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट फंड की प्लानिंग, ये सारे अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमारे पास 90 लाख रुपए बचेगा। और अगर आप एक एक करके अगर ये खर्चे अगर माइनस करते जाएंगे तो हो सकता है जीरो जाए या माइनस भी जाए। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये सब मेजर एक्सपेंसेस नहीं होंगे और आपने 90 लाख रुपए बचा भी लिया। सोच के देखिए, आज के टाइम में इंडिया के अंदर किसी भी एक अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छा घर लेना हो तो 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत होती है। तो 25 साल के बाद इस 90 लाख रुपए की क्या कीमत रहेगी आप खुद भी समझ सकते हैं। 9 लाख रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर पैसा कमाना है तो आज के टाइम पैसा कमाना जरूरी है। और यही नहीं, मैंने आपको शुरुआत के स्लाइड में दिखाया था कि टाइम इज मनी और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे क्या एडवांटेज है। हम लोग अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, एक नौकरी करें, एक दुकान चलाएं, एवरेज अराउंड 10 घंटे के करीब काम करते हैं एक दिन में। तो अगर हफ्ते में अगर 6 दिन भी काम करें तो हमारे पास 60 घंटे के करीब काम होता है अप्रोक्सीमेटली। और साल भर में अगर हम 50 घंटे भी काम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3000 घंटे का साल भर में काम करते हैं। पूरी जिंदगी अगर हम देखें 20 साल की उम्र से लेके अगर 60 साल तक, तो 1,20,000 घंटे का काम होता है पूरी जिंदगी भर में। यही काम अगर आपने 3-4 साल इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सीरियसली डिवोट किया और आपने 2000 लोगों के एक्टिव टीम खड़ा कर लिया और वो सारे लोग अपने जॉब या बिजनेस के साथ पार्ट टाइम में भी सिर्फ 1 घंटे का भी टाइम डिवोट करते हैं, तो 2000 लोग जब 1 घंटे 60 दिन में भी काम करें तो आपके पास 1,20,000 घंटे का काम हो जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जाम्पल बताया था अंबानी साहब का मैसेज करने का कि उनके 1 घंटे में ही 5 लाख घंटे का काम हो जाता है। अगर इस तरीके से अगर हम देखें 1,20,000 घंटे के हिसाब से हमारी 4 पीढ़ियां लग जाएगी 5 लाख घंटे काम करने के लिए, तो भी हमारा 5 लाख घंटे पूरा नहीं होगा। लेकिन आप भी उनके जैसे 2000 से 20,000 के ऐसे 5,000, 50,000, 1 लाख टीम को बढ़ा करके अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर बड़ा बिजनेसमैन इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाने से हम अच्छा इनकम कमा सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा इनकम कमा सकते हैं। इसके अंदर पैसा कमाना ही नहीं, पैसे के अलावा और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे इसमें टाइम लिवरेज जैसे मैंने आपको दिखाया वो तो है ही है। और हमारी मर्जी है हम किसके साथ काम कर रहे हैं, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ काम कर सकते हैं। इसमें कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है और रिटर्न बहुत ज्यादा है। और आप टाइम को अपना मैनेज कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। विन विन बिजनेस है, आप खुद भी पैसा कमाएंगे और जिनको आप बताएंगे वो भी पैसा कमा सकते हैं। और इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जो पहले जुड़े हैं वही पैसा कमाएं, आप नहीं पैसा कमा सकते हैं। और इसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग हैं हर आदमी एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं और सेविंग्स सब की राहत होती है और ड्रीम फुलफिल करना सब लोग चाहते हैं और रेजिडुअल इनकम और फ्रीडम बाय नेचर, और ये सब ये इंडस्ट्री देता है। और ऐसे ही नहीं है कि कई सारे लोगों को जब नेटवर्क मार्केटिंग की टर्म सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि घर घर जाके एम्बे जैसे कोई प्रोडक्ट सेलिंग करने का कोई काम होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इनफैक्ट शुरू तो ऐसे ही हुआ था डायरेक्ट सेलिंग के मोड में, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग से हटके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कंपनीज आ चुके हैं जहाँ पे आपको किसी के पास कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। ई-कॉमर्स बेस्ड, अफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड, क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड, ऐसे बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी हैं जहाँ पे आप बिना कोई प्रोडक्ट सेल किए आप इंटरनेट के थ्रू घर बैठे बैठे यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। जैसे आप पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के पैसा कमाया जा सकता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के जरूर पैसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पैसा आता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएट होते हैं। मैंने कई सारे लोगों को सुना है सर नेटवर्क मार्केटिंग ये फ्रॉड है, ये काम नहीं होता, इसमें कुछ पैसा नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी 2 महीने करके देखा, मैंने भी 4 महीने काम किया। अब बताइए मैडम, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं 2 महीने में 4 महीने में डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। कितना टाइम लगेगा एक डॉक्टर बनने के लिए? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स लगेगा, तो 5 साल के बदले उसने 4 साल और 10 महीने कॉलेज गए, और उसके बाद अगर वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, अब मेरे को नहीं डॉक्टर नहीं बनना, तो बन सकता है वो? नहीं बन सकता। उसको जो 5 साल का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करना ही पड़ता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी शुरुआत में क्या होता है, अगर ये एन ग्राफ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इसके एफर्ट्स हैं और राइट साइड में ये इनकम है। शुरुआत में जो है हमारी एफर्ट बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज आपको इस फील्ड में नॉलेज बहुत कम रहेगी और आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है,
और आपकी कुछ कास्ट टीम भी नहीं है, तो आप हो सकते हैं इतना बड़ा एफर्ट करेंगे तो आपके लिए कितना सा इनकम बनेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जैसे इस बिजनेस के अंदर टाइम आप डिवोट करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और ऐसे 2-3 साल में एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे आपकी एफर्ट और इनकम ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड, जहाँ पे आपकी एफर्ट ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाती है और आप बहुत बड़ा पैसा, कि आपका शायद हो सकता है जो साल भर का नौकरी का पैसा आप महीने में कमाने लग जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी टीम काम करने लगे, एंड यू हैव अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ दिस बिजनेस, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। जहाँ से 4-5 साल के बाद एक ऐसा फेज आता है जब आप टाइम डिवोट ना भी करें, मेहनत नहीं भी करें, किसी को एक कंसेप्ट बताए भी ना, फिर भी आपकी टीम में हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और आपके पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ रहा हो। तो एक ऐसे स्टेज पहुंचने के लिए हमें 2 से 3 साल 4 साल इस बिजनेस को सीरियसली करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि नहीं, कितना कितना स्पीड में हम ये कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। आप चल के जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आपकी जो व्हीकल है उसकी स्पीड क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेस्टिनी तो सबके लिए सेम है, आप कितने एफर्ट लगाते हैं, कितना इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए तैयार होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये आपको ये तरक्की तक लेके जाएगा। ओके, वाओ, सो इट वाज रियली अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू मैम। और जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वी इंटरनेशनल का, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको भी शेयर करेंगे, और आपके नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल को भी ये कंसेप्ट शेयर जरूर करना है। वीडियो हो सकता है आपके लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ा है इस वीडियो को देख के, आपके नियर एंड डियर लोगों को भी यूजफुल होगा। लाइक करना, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे ही तरह आपके लिए भी ये एक आई ओपनर सेशन रहा होगा। आई डेफिनेटली फील कि हम सबको नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड।